नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर कि भारत सरकार ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण निकल कर आ रहे हैं, कुछ कारणों को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे और आपका उसके ऊपर क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इस न्यूज की बदौलत किन कंपनीज को आने वाले टाइम में हो सकता है फायदा और किन कंपनीज को अभी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उसके ऊपर भी हम बात जो है वो करने जा रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर आप न्यूज सुनना चाहते हैं तो मैं आपको न्यूज बता दूं कि भारत सरकार ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि FCI का जो इनके पास एक आप कह सकते हो कि क्वांटिटी पड़ी होती है, उसमें जो ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है, उसमें हमें एक डिक्रीजमेंट आप कह सकते हो देखने को मिल रहा है, डी ग्रोथ हो रही है, तो क्वांटिटी कम होती जा रही है, जिसकी बदौलत ये कहा जा रहा है कि ये जो डिसीजन है वो लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अभी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड जो है इसकी पड़ी हुई है, रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हुए हैं, तो हो सकता है ये चीज़ भी देखी जा रही हो कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तब हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो बहुत सारी बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं, बट सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है जब इसके ऊपर सरकार बताएगी एक्चुअली हमें तभी पता चलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सरकार ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फार्मर्स के लिए भी, कहीं ना कहीं जो लोग इसका बेनिफिट उठा सकते थे अपनी फसलों को ऊंचे दाम पर बेचकर। आगे ही प्राइस बहुत ऊंचे चल रहे थे तो फार्मर्स को यहाँ पे फायदा होना था, जो कि अभी शायद नुकसान भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है सरकार उनको कोई मुआवजा दे, सब्सिडी दे दे, वैसा कुछ हो, कुछ रेट्स में चेंजेस लाए जाए हमारे देश के अंदर ही, और ये देखना होगा अभी आने वाले समय। चलिए इस चीज को तो देखेंगे ही, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को आपको लिंक करके देखना होता है और फिर आपको पता चलता है कि हाँ इस कंपनी के ऊपर ये असर हो रहा है। ठीक है, अब कैसे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले असर बताता हूं, उसके बाद मैं कंपनी के लिस्ट भी आपको स्टॉक्स की बता दूंगा। तो देखिए, असर अगर आप बात करें तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी उन्होंने अभी माल उठाया होगा, उनका माल उनके पास ही पड़ा रहेगा, तो ये सबसे बड़ा इंपोर्ट, यहाँ पर उनका पैसा जो है वो सर्कुलेट नहीं होगा, पैसा फंस गया, तो एक्सपोर्ट जो करती हैं उनके ऊपर तो डायरेक्ट असर होने वाला है। अब जो कंपनी से शायद कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी थी सिर्फ इन मिल्स के साथ ही कि हम आपका माल एक्सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो ये हर एक सेक्टर के ऊपर अलग अलग तरह से इंपैक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते सिंगल कि जो वीट एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ही असर होता है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब उसी के साथ जब एक गुड न्यूज आती है तो भैया वही कंपनीज के ऊपर अच्छा असर भी देखने को मिलता है, आप लिंक करके जोड़ेंगे तो आपको अच्छी न्यूज दिखेगी, आप उन कंपनीज को बाय कर सकते हैं। तो अभी के हाल फिलहाल से अगर आपको ये बता दूं कि कौन सी कंपनी के ऊपर बैड इंपैक्ट होने वाला है, उसी को आप अपनी वॉच लिस्ट में लिखाइए, और जब कभी भी ये न्यूज निकल कर आए कि हाँ हम वीट एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो फटाफट से उन कंपनीज को आप बाय करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कंपनीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर देते हैं आशीर्वाद कैपिटल की, ये काफ़ी छोटा सा स्टॉक है पैनी, इसके ऊपर हमें इंपैक्ट जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी वीट में डील जो है वो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बात करना चाहूंगा यहाँ पे अनीक इंडस्ट्री की, ये भी वीट से रिलेटेड कंपनी है, फ्लोर आटा वगैरह से, तो इसके ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं कि इसके ऊपर कल क्या इंपैक्ट पड़ता है और गुड न्यूज आने पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बैम्बिनो एग्रो के ऊपर भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एग्रो से रिलेटेड कंपनी है। अब जो केमिकल कंपनीज बनाती थी, हो सकता है फार्मर बोले हम नहीं खेती करेंगे, हम कम खेती करेंगे, तो उनकी जो केमिकल की खपत होती है वो भी कम हो जाएगी, तो वो इंपैक्ट आप एग्रो की कंपनीज पे देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगली है डुकोन, इसको आप थोड़ा सा रहने दीजिए, अवॉइड कीजिए। इसी के साथ आप ITC के ऊपर भी इसका असर देखने को मिल रहेगा हमें ज़रूर, क्योंकि ये भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, याद रखिएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए। अदानी विलमार, इनका भी आटा आता है, तो इसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी एक्सपोर्ट करती है, तो इसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो ये बड़ी कंपनीज हैं कुछ।
और कुछ कौन कौन सी कंपनीज हैं जो देखने को इम्पैक्ट मिल सकता है एग्रो के अंदर? पीआई इंडस्ट्री है, भारत रसायन है, यूपीएल है, डीसीएम है, कोरोमंडल है, बेयर है, तो इनका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। गोदरेज एग्रो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अवंती फीड्स मिलेगी, कवेरिया सीड्स मिलेगी, बलरामपुर चीनी मिलेगा, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बलरामपुर चीनी शुगर से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये ऊपर की जो कंपनीज है इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब अब बैड न्यूज आई है तो थोड़ा इम्पैक्ट अभी देखने को मिलेगा, अच्छी न्यूज आएगी तो तब भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमेशा बाय ऑन डिप्स पे ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई भी स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता है तो ध्यान रखिए, उस स्टॉक को डायरेक्ट कभी भी बाय नहीं करना होता है, आपको वेट करना होता है डिप का। जिस लेवल पे वो होता है वहां पे 10% बाय कीजिए, ताकि अगर वो आपके हिसाब से चले तो आपको 10% में भी प्रॉफिट आ जाए, बट अगर नीचे अपने एवरेज प्राइस के पास आता है तो वहां पे आप अपनी बड़ी क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड कीजिएगा, रिस्क आप